और भाई अगर मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊं कंपेयर करके न्यू स्कॉर्पियो वर्सेस पुरानी स्कॉर्पियो जो S11 चली आ रही है, तो देखो सामने अंदर बैठते हैं दो लोग हम लोग, फिर देखते हैं कि कितना स्पेस मिलता है स्कॉर्पियो के अंदर। हेलो भाई, मैं हूं चंद्र प्रताप सिंह। आज भाई हम लोग फिर से आ गए महिंद्रा शोरूम पे और दिखाने वाला हूँ आपको मैं न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो N एक दूसरे ही प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर आ चुकी है, फिर भी मैं एक मोटा मोटा बीच में डिटेल दे दूंगा। बट आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ और उसका ओपिनियन लेने वाला हूँ, क्योंकि उसके पास पहले से भी स्कॉर्पियो है और एक नया यूज़र अगर स्कॉर्पियो को देख रहा है तो वो क्या देखता है गाड़ी के अंदर। और अगर फीचर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ड्यूअल LED यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, आपको न्यू लोगो मिल जाएगा, उसी के नीचे आपको कैमरा भी मिल जाता है टॉप मॉडल के अंदर। नीचे आपको स्कॉर्पियो N यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे नीचे आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी न्यू स्कॉर्पियो N के अंदर मिलने वाला है। और अगर टायर साइज की बात करूं तो ऑटोमेटिक के अंदर टॉप मॉडल के अंदर 18 इंच के मिलने वाले हैं, और अगर आप मैनुअल में जाते हो टॉप मॉडल के अंदर तो आपको 17 इंच मिलने वाले हैं। और यहां पे आप देख सकते हो गाड़ी का साइड लुक मुझे भाई सबसे ज़बरदस्त लगा, और वैसे अंदर से भी काफ़ी प्रीमियम है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं फिर मेन बात करते हैं। तो भाई अभी आ गया हूँ अंदर न्यू स्कॉर्पियो N के अंदर, और ये मेरा दोस्त है साथ में, और इसके पास पहली वाली स्कॉर्पियो थी। अब बताओ भाई अखिलेश कैसा लग रहा है ये स्कॉर्पियो? इसको देखने के बाद यार एकदम क्या ही बताएं, राजा गाड़ी लग रही है अभी। मजा आया, पहले एक टक्कर देगी कि यहाँ पर मार्केट डाउन करेगी या इसको टक्कर देगी? किसको पहले वाले मार्केट डाउन होगा इसका? मुझे लगता है होगा, क्योंकि देखिए फीचर के मामले में भी ये काफी अपग्रेड है उससे, सेफ्टी के मामले में भी 6 एयरबैग उसमें, डबल एयरबैग थे इसमें, 6 एयरबैग है, ऊपर से LED लाइट वगैरह हर जगह दे दी है, सेंसर दे दी है, फ्रंट बैक क्या नाम है कैमरे दे रही है, और क्या नाम ऑटोमेटिकली क्या नाम है इलेक्ट्रिक सीट दे रही है, सब चीजें दे रही है, पावर स्टीयरिंग भी काफी मजेदार है, क्या नाम है चला के देखा काफी, मतलब मार्केट में आएगी गाड़ी, मार्केट में चलेगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे डाउट है कि किया का सेल्टॉस और हुंडई का क्रेटा सफारी तो पहले से मुझे लगता है चल पा रही है, लेकिन तीन चार जो गाड़ियां हैं मैंने बता दिया, मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में अब क्या स्टेबल हो पाएंगे। सही बात, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि जिस बजट में महिंद्रा ने इसको क्या ना लॉन्च किया है वो उस बजट में वो सब नहीं फिट बैठ पा रही है, क्योंकि 7 सीटर वो सब 5 सीटर है, उससे ऊंची भी है लोगों की, जो खासकर क्या यूपी बिहार वालों की, खासकर इंडिया में लोगों को पसंद होती है ऊंची गाड़ी, कि अगर ऑफ रोडिंग के लिए भी अगर इस्तेमाल किया जाए अपनी लग्जरी गाड़ी को तो इस्तेमाल में लिया जा सके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बवाल गाड़ी लगती है मेरे को। और इंटीरियर भी सब कुछ अब बहुत अच्छा खासा सुधार किया है, मैं बताना ही भूल गया, ये सनरूफ और ये नेताजी लोगों के लिए, तो जो मतलब यूपी बिहार भोकाल लगता है उनको भाई चाहिए होता है ऊंची गाड़ी, जो डिमांड में लोगों को रहती थी बहुत से, यार अगर स्कॉर्पियो में निकल जाता सनरूफ तो मजे आ जाते हैं, तो वो महिंद्रा ने पूरी कर दी। जो फॉर्च्यूनर मिस कर रहा है अभी भी वो स्कॉर्पियो मिस नहीं होगा इस बार, जिनको भी अगर लगे कि मैं मुझे फॉर्च्यूनर के रेट कम में अच्छी गाड़ी मिल जाए तो बेशक स्कॉर्पियो प्रेफर कर सकते हैं भाई, जो जहाँ 50 लाख देना है आपको वहाँ 25 लाख में गाड़ी मिल जाएगी, पैसों बच जाएगा थोड़ा, उतने में दो गाड़ी लीजिए, दो स्कॉर्पियो लेके चलिए भोकाल अलग बनाइए, एक अलग ही मजा है। एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए आ जाए, अभी तो फिलहाल टेस्ट ड्राइव नहीं मिल रही है, आ जाएगी 5-7 तारीख तक, तो फिर करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी, मेन तो ये है कि चलने में कैसी है। और बात अगर फ्रंट ड्राइवर सीट की तो मैं एकदम सीट सबसे नीचे करके रखा हूँ, अगर मैं सीट ऊपर करूँ अपने हिसाब से तो देखो इलेक्ट्रिक सीट से तो सीधे सीधे ये धीरे 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 ये ऊपर होने जाएगा और पूरे बोनट का व्यू मिलने लगेगा। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, अगर मैं अपने आँख के लेवल पर रखूंगा तो पूरा बोनट मुझे दिख रहा है। और भाई बताओ कैसा लग रहा है अभी बैठ के, उस सीट पर कम्फर्ट कैसा है? राजा वाली फीलिंग, बढ़िया है पूरा एकदम। पुराने वाले स्कॉर्पियो से कैसा कुछ चेंज? अरे मैंने बोला ना कि एकदम मुझे अगर लेना होगा तो मैं यही लूंगा, सीधी सीधी बात है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, मैं कोई गाड़ी प्रेफर नहीं करने वाला 20-25 तक रेंज में सबको, अगर किसी के पास 25 तक का बजट है तो स्कॉर्पियो लेने लायक है, और कोई पसंद नहीं आ रही। सफारी कट, सफारी यार पहले ही सफारी का प्लान बन रहा था, तो पहले उसको जो माइनस पर टैग लगाया ना, माइनस पॉइंट है कि वो क्या नाम है कि वो क्या नाम है कि खर्चीली है, और दूसरी बात की बैठा दिया गाड़ी, बैठा दी वो गाड़ी थोड़ी ऐसे में जैसे कि सार पेज में, ये है मेरे को गाड़ियाँ पसंद वो है जो ऊंची रहती है, कोई भी लेना चाहे SUV तो ऊंचा ही, तभी SUV मतलब ऊंची, लेकिन उसमें वो ऊंचाई दी नहीं कंपनी ने, इसलिए भी मजा लगता है हमको। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है अभी भी भाई, अगर हम दोनों के पसंद की बात करें तो दोनों लोग को पसंद आया, अच्छे खासा भीड़ भी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। एक और गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वो भी Z8L स्कॉर्पियो N ही है वो भी, और लोग देखते हैं काफी सारा। पहले दिन तो जिस दिन लॉन्च हुई तो अच्छा खासा भीड़ था यहाँ पे, विधायक जी MLC साहब सब लोग वहाँ पे बैठे थे, जिस दिन मैं आया था सब लोग, सबको पसंद आ रही थी। और मैं अगर फीचर्स की बात करूँ तो नया लोगो, अच्छा भाई ये बताओ नया लोगो या पुराना लोगो? नया लोगो, नया लोगो ना, जो क्यूटनेस
हवा में उड़ रहा है या फिर तितली जैसा, या फिर तितली जैसा। बैक गेट पे तो मैंने देखा एकदम लुकी अलग। चलते हैं पीछे से दिखाता हूँ। यहाँ पे पुश बटन एक बार दबाने पे, अगर मान लीजिए कीज तो है ना यहाँ पे, वरना यहाँ पे काफी अच्छा है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। और फीचर्स की बात करो तो क्रूज कंट्रोल यहाँ पे, एमआईडी कंट्रोल करने का यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, फेवरेट का बटन यहाँ पे, सोर्स मीडिया ट्रैक वॉल्यूम फोन अप डाउन, ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। और इधर यहाँ पे वाइपर कंट्रोल, इधर अपना हेडलाइट के कंट्रोल दिए हुए हैं, एसी वेंट्स, यहाँ पे आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को जो सपोर्ट करता है। और यहाँ पे थार जैसा ये बटन जैसा अब इस समय यूज हो रहा है काफी अच्छा खासा। ये थोड़ा सा भड़कल जैसा बोलते हैं ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स, डाउनहिल असिस्ट, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हजार लाइट्स, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे एसओएस के लिए बटन दे रखा है, ऑटोमेटिक एसी भी दी हुई है। अच्छे खासे फीचर्स भाई इस बार स्कॉर्पियो एन जैसा रफ एंड टफ होती थी, तो अब फीचर रिच कर दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। ऑटोमेटिक में 18 इंच के व्हील्स मिलने वाले हैं, और अब आप मैनुअल में जाते हो तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। गेट में हैवीनेस है, गेट में बना दिया ना, कहीं भी आप इसे उतरेंगे ना अलग ही फील आएगा। पूरा सीट पीछे किया हुआ हूँ, फिर भी आप बैठता हूँ तो देखता हूँ। अब मैं हाइट 6 फुट है, तो फिर देखता हूँ क्या 6 फुट का बंदा थोड़ा सा पूरा सीट पीछे है, एकदम रिक्लाइन भी किया हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो बताओ भाई पीछे का कैसा लग रहा है कम्फर्ट? बहुत स्पेसियस है, स्पेसियस तो दिख रहा है भाई, कितना स्पेसियस है आप देख भी सकते हैं। ये भी मेरा क्या नाम, ये देखिए कितना लेग रूम मिल रहा है। मतलब यूं कह लीजिए कि मैं आधा पूरा सो जा रहा हूँ, अगर सो कर देगा चलना पड़े तो लंबा, बहुत अच्छा है, लंबे जर्नी में। अच्छा पुरानी वाली स्कॉर्पियो आपके पास थी उससे क्या कंपैरिजन कितना रहा? यूं कह ले कि एकदम डिफरेंट, मतलब उसकी तुलना इससे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये इस पर मैं जब भी बैठता था, वैसे तो मैं अपनी हमेशा स्कॉर्पियो ड्राइव करता था जब भी चलता था, तो ये सब चीजें उसमें शायद रही, ये थी, लेकिन वो जो कम्फर्ट था ना उसमें, इसमें है वो नहीं था। ये जो मैं बैठा हूँ, अंडर थाई सपोर्ट, ये सब चीजें, स्लीपिंग ऐसा लग रहा है कि स्लीपिंग मोड में आ गया हूँ, वो चीजें उसमें नहीं थी बिल्कुल। और सब अंदर का इंटीरियर इसे ड्यूअल टोन के अंदर ब्लैक एंड बेज बहुत बढ़िया, और ब्राउन लेकर के ट्रिपल टोन ही हो गया एक तरीके से, तो काफी अच्छा है। 6 एयर बैग सामने ही दिख रहा है, अच्छा खासा काफी स्पेसियस भी है। तो इसलिए मैं इस गाड़ी को अगर मूड बन रहा है खरीदने का तो इसको ही रिफर करूंगा, क्योंकि मेरा जो बजट रहता है हमेशा गाड़ी को लेकर 20-25 लाख एक अच्छी बड़ी गाड़ी में, तो फिर से मैं स्कॉर्पियो ही खरीदना चाहूंगा, स्कॉर्पियो एन अगर खरीदने की बात आई तो। और इसका क्या बोलते हैं आपको, अगर राइड क्वालिटी भी एक बार देख लिया जाए चला करके कि राइड क्वालिटी कैसी है, चलने का गाड़ी कैसी है, क्या ना ट्राई करूंगा कि आगे नहीं चला लूं, टेस्ट ड्राइव लेकर के। मैं जब एक्सयूवी 700 लॉन्च हुआ था तो मैं आया था उस टाइम, क्या नाम है, इसको ड्राइव करके देखा था। हम लोग तो लिए थे टेस्ट ड्राइव, वो भी बढ़िया थी। अब देखते हैं स्कॉर्पियो एन चलने में कैसी है। कूलिंग क्वालिटी भी कूलिंग स्कॉर्पियो को, वैसे मैं स्टैंड वाली जो थी उसमें थोड़ा लगता था कि कूलिंग क्वालिटी में थोड़ा सा कमी था, बट अब देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कूलिंग में थोड़ा क्वालिटी अच्छी दे रही है, बाकी बैठा था कुछ समय पहले काफी अच्छा है। बाकी एक बार चलता हूँ मैं थर्ड रो के अंदर, फिर देखते हैं कि थर्ड रो के अंदर क्या स्पेस है, या फिर 6 फीट का बंदा अगर थर्ड रो में बैठना चाहे तो फिर क्या होता है, स्पेस कमी लगती है या फिर ठीक रहेगा इसी तरीके। बस एक बार ये इस तरीके से आराम से चला भाई बैठा, फिर अंदर बैठते हैं दो लोग हम लोग, फिर देखते हैं कि कितना स्पेस मिलता है स्कॉर्पियो के अंदर। बैठ जा आराम से, बैठ गया, अब मैं भी आता हूँ अंदर, फिर देखते हैं भाई अब स्कॉर्पियो एन का असली टेस्ट हो जाएगा भाई। अब बताओ फिर मैं बताऊंगा अपना। घंटे घंटे आराम से बैठ सकते हैं मेरे हाइट वाले शख्स। बाकी अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मेरा घुटना तो भाई कंफर्टेबल नहीं है, और यहाँ पे भी बिल्कुल भी यू कह ले कि अगर मेरी हाइट 5.5 फीट है, 5 फीट वाले आराम से बैठ सकते हैं। हाँ बच्चे अगर हैं, अगर आपके पास वाले दो इंसान जो हमारे एज वाले हैं, 5 फीट वाले शख्स आराम से बैठ सकते हैं, 5 फीट, या फिर अकेला बंदा है तो अगर साइड मुंडी करके इस पे फैल के बैठना चाहे तो फिर जाए आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं। और भाई अगर बात करें हेडरूम की तो देखो भाई के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन थोड़ी जंप करेगी तो टच होने का चांसेस तो है, बट अगर मैं अपना बात करूँ तो भाई मेरा मुंडी तो पूरा ही टच हो रहा है इसके ऊपर। 6 फीट के बंदे के लिए तो ठीक नहीं, क्योंकि अगर अभी टच हो रहा है तो हल्की से भी अगर जंप हुई तो फिर लो देखो पकड़ के दिखाओ, अगर देखो मैं अगर बैठता हूँ तो मेरा सर पूरा एकदम इसके ऊपर टच हो रहा है, हल्की से भी अगर जंप करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही टच हो रहा है, तो अगर जंप हुआ तो पूरा ही टच होने वाला है। तो बाकी अगर बच्चे के हिसाब से देखा जाए ना, इसको बड़े के हिसाब से देखना वैसे भी नहीं चाहिए, बच्चे के हिसाब से देखा जाए तो काफी ठीक ठाक स्पेस पीछे है, और गाड़ी कितनी है लंबा कंपनी बनाएगा कितना स्पेस दे सकता है इतना, उस हिसाब से देखा जाए तो फॉर्च्यूनर में भी इतना ही लगभग स्पेस मिलता है, बैठ के मैं देखा हुआ हूँ उसके अंदर। तो चलो अब और बातें करते हैं क्या है गाड़ी के अंदर। एक बार ऐसे करने पे आराम से पूरा हो गया, आराम से निकल सकते हैं। और भाई अगर मैं बात करूँ गाड़ी के साइड लुक की, तो भाई साइड लुक तो मुझे शुरू से ही गाड़ी का काफी ज्यादा पसंद है, और आप लोग को भी देख सकते हो
जो इसका व्हील्स भाई और ज्यादा अगर 18 इंच का रहे अगर ऑटोमेटिक लेते हो तो काफी ज्यादा बड़े दिखते हैं। और भाई 17 इंच में तो हमेशा से चले आ रहे हैं तो काफी ज्यादा वो भी काफी ज्यादा सूट कर रहा है गाड़ी के ऊपर। और साइड लुक तो भाई आप देख सकते हो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। और आपको बूट स्पेस देखना है तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, चैनल के ऊपर आ चुकी है। और मैं अगर मैं गाड़ी साइड बाई साइड कंपेयर करूँ तो यहाँ देख सकते हो सामने खड़ी है न्यू ओल्ड स्कॉर्पियो S11 और उसके व्हील भी देख सकते हो। और अब दिखाता हूँ मैं आपको न्यू स्कॉर्पियो N, तो देखो ये। तो भाई मुझे तो भाई नई वाली पसंद है, मेरा अगर प्रेफरेंस रहे तो भाई मैं नई की तरफ जाऊंगा और आप लोग भी नई की तरफ ही जाओ क्योंकि उससे बड़ी भी है, उससे बल्की भी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।